किसी बोले कुछ तुम नर्वस तो नहीं है क्या बोल गया? Hey guys, welcome back to another video. तो हम करेंगे MT का रिव्यू. हमारा आई टी आई वो उधर पे है, बहुत दूर है. ब्रांड न्यू MT, वन मंथ भी नहीं हुआ है. तो करीब 407 किलोमीटर चला चुका है. तो आज हम पूछते हैं इसे MT क्यों लिया और फीचर्स आपको मिलता है, देखने को मिलता है, और ऐसा क्या प्रोवाइड करता है जो ये MT लिया है. तो चलिए जानते हैं. सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा. मेरा नाम तामिन रिलो है और मैं यहाँ ITI कोर्स के लिए आया हूँ. और मैं दापोरिजो से हूँ. बाइक लेते हुए हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब हमको ऊपर से इसका बारे में इतना पता भी नहीं है. तो कैमरा मैन बोला था कि मतलब थोड़ा बाइक का रिव्यू कराएगा. सबसे पहले आपने कितना में कर दिया? इसका प्राइस 100 रूम में 165 है, पूरा मिला के 185 है. तो इसका कितनी पोस्टर कैसा है? तो चलिए आप बैटरी दिखा दीजिए. इसका सीटिंग पोस्चर तो ठीक ही है, बट इसका सीट हमको मज़ा नहीं लगा है. सीट थोड़ा डबल सीट दे देना था इसमें. छोटा है ना? हाँ छोटा है. इसमें तीन आदमी भी नहीं बैठ सके यार, मतलब तीन आदमी के लिए नहीं है, पर भी कभी कभी दोस्तों में होता है तो ना एडजस्ट के लिए वो भी नहीं हो पाएगा. सीट इसका थोड़ा छोटा है. तो इसका हैंडलिंग कैसे है? हैंडलिंग तो बढ़िया है, अच्छा है, मतलब चलाने के लिए कम्फर्ट है, बैलेंस भी है इसमें. इसका हैंडल तो बहुत बड़े है, अच्छे है पकड़ने के लिए, बहुत कंफर्टेबल है. मतलब इतना दूसरा लोग जैसे इतना बदन दन दर्द नहीं कराता है, बहुत कंफर्टेबल है पकड़ने के लिए और चलाने. लॉन्ग राइड में मतलब कैसे होता है? हाँ लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा है ये जो. और माइलेज कैसा देता है अभी? इसका सर्विसिंग भी तो नहीं हुआ है ना? हाँ इसका अभी तो शायद इसका माइलेज जो 32 दे रहे हैं अभी, बाद में शायद बढ़ जाएगा. पावर तो इतना नहीं है, पर भी अपना 155 सीसी सेगमेंट में तो ठीक ही है. हाँ सब पावरफुल है ये. इसमें नया आया है ये जो TCS आया है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, नया ही है. पहले जो इसका नीचे में सेल्फ था ना, और ये जो सिर्फ सेल्फ ऑफ ऑन करने वाला था. तो इसमें अभी तक स्टार्ट भी तक दिया हुआ है और ये सेल्फ का जगह में हैजर्ड को डाल दिया. अच्छा. ये टंकी का कितना लीटर है इसमें? ये टंकी का 10 लीटर है. आपने इसमें कुछ नया डाला है क्या? ये लोहा? हाँ ये क्रैश गार्ड, ये इंजन गार्ड है, ये इसको लगाया है मैंने. हाँ, इसका 3000. हाँ 3000 में है. आपने यही कलर क्यों चुना? क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है. ब्लैक आपका फेवरेट है ना? हाँ. इसमें बहुत सा कलर भी तो आता है ना, तो आप मेन आपको यही लेना था, ये कलर ही लेना था ना हमको एक्चुअली. ये इसका व्हील जो है ना, ये व्हील जो हमको ब्लैक वाला चाहिए था, पर डीलर में हमको नहीं मिला. हमको बहुत वेट किया है उसके लिए, पर नहीं मिला है हमको. इसको ही लेना पड़ा है आखिर में. पहले जो एक्चुअली कस्टमाइजेशन होता था, अभी नहीं हो रहा है? नहीं अभी कस्टमाइज नहीं होते. अच्छा, तो अभी तक आप कितना तक इसको दौड़ा चुके हैं, मतलब कितना किलोमीटर? ये और बाइक तो नया है इसलिए हम स्पीड ले जाने मन नहीं है. हम इसको ज़्यादा बोलने से हम इसको 112 तक हम ले गया था, इससे ज़्यादा नहीं ले गया हम इसको. 112 में स्टेबल है क्या गाड़ी? हाँ थोड़ा बाइक जो हल्का है थोड़ा सा, मतलब जम मारते हैं ऐसे से थोड़ा सा. की बात तो सब कुछ ठीक ही है, हैंडलिंग सब कुछ बढ़िया है. चलिए गाइस अभी MT का साउंड सुन लेते हैं. तो बहुत प्योर साउंड है इसका, कर लीजिए.
साउंड तो आपको भी बढ़िया लगता होगा। टू बी ऑनेस्ट हमको इसका साउंड इतना अच्छा नहीं लगा है। इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमको जो बोलने से RS का साउंड अच्छा लगता है। RS 200 NS 200 सबका साउंड अच्छा लगता है। आखिरी क्वेश्चन है, तो आपने MT क्यों लिया? क्योंकि MT मेरा ड्रीम बाइक है। ड्रीम बाइक है। हाँ। पावर जैसे कि आप पावर का भी कह रहा था थोड़ा सा कमियाँ है। हाँ। ये प्राइस में 185 में तो NS 200 भी आ जाता है, तो आप इसको क्यों प्रेफर नहीं किया NS 200? पावर का थोड़ा आपको इश्यू लगा है तो कम लगा है तो NS तो हम नहीं बोलेगा NS अच्छा नहीं है। NS भी बहुत अच्छा है, हम सोचा भी था NS लेगा बोल के, पर फिर माइलेज को देख के थोड़ा हम सोचे कि MT ले लेगा बोल के। MT में माइलेज अच्छा। हाँ, माइलेज अच्छा देते हैं इसका और देखने में भी अच्छा ही है। थोड़ा देर से ये हेलमेट को देख रहा था, तो बता दो हेलमेट का कहाँ से लिया और कौन सी कंपनी का है। आप लोग तो देख रहे होंगे ये जो एक्सोर का है, और ये हमको मिला था 5500 में मिला था, और इसको मैंने एक शोरूम से खरीदा है नालगन से। गाइस आज के लिए इतना ही था, तो एक्चुअली इतना राइड किया भी नहीं है इसको, बस थोड़ा सा किलोमीटर जस्ट ऐसे फन के लिए और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो थोड़ा सा बना है, तो ऐसा कुछ प्रोफेशनल वाला बात नहीं है इसमें। और मेरे दोस्त को सब्सक्राइब और लाइक कर दो अगले वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय। तुम्हें बाय बाय कर दो। बाय बाय।